want justice. Termination. नहीं चलेगा. Termination. नहीं चलेगी. Termination. नहीं चलेगी. हमारी salaries. Release करो. हमारी salaries. Release करो. हमारी demands. पूरी करो. हमारी demands. पूरी करो. We want justice. We want justice. We want justice. जुल्म और जबर. नहीं चलेगा. जुल्म और जिया है. मैं पापोर से ही हूँ. मैं यहाँ पे कंप्लेंट कर रही हूँ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि पामपुर में ही वाकया है. तो वहाँ पे हमें जो हमारी कंप्लेंट्स है वो ये है कि हमारी जो सैलरी है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है, लेकिन अगर फीमेल्स की बात की जाए 9th-10th फीमेल्स की, उनको दिसंबर और जनवरी भी अभी पेंडिंग है. 2019 दिसंबर भी अभी पेंडिंग है, जनवरी और फिर हमें फैब दिया गया. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो पूरा बंद है, वो हमें दिया ही नहीं गया. और अगस्त से हमें खाली 40% और 60% 75% ऐसे ही दिए. और जो बीच में उन्होंने छोड़ा उस पर हमें शक हो गया कि शायद को खाने का इरादा है वो. और ये कहा भी गया मेल फोक से कि आप शायद आपको मुफ्त में काम करना पड़े यहाँ, स्कूल के हालात इतने खराब है. अगर स्कूल के हालात इतने खराब है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि अगर स्कूल को 40 इयर्स हो गए हैं, तब से जो पैसा इन्होंने बनाया है वो कहाँ गया? इनको क्यों लोन वगैरह की जरूरत पड़ी? वो अगर इनको सीओ ऑफिस में बोला गया कि आप बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें, वो वहाँ पे नाकाम हो गए. उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड ही नहीं की वहाँ, क्योंकि उनके पास है ही नहीं. क्योंकि व्हाट्सएप क्लासेस, जूम क्लासेस दी हमने, और उसके बावजूद हमें बोला गया कि आपने 1 घंटे काम किया, आपको 6 घंटे की सैलरी मिलेगी. जिस बिना पे हमने ये भी कहा कि फिर तो बच्चों से ही आपको 1 घंटे का फी मांगना था. आपने भी हरासमेंट की बात की. हरासमेंट हमें ये कहा गया कि हमें स्कूल बुलाया गया, हमें एक्सप्लेनेशन निकाली गई कि आपने साइन किया है ऐसे पेज पे, आपने डिफेम किया इंस्टीट्यूट, आप उस बिना पे हम आपको मतलब यहाँ पे बुला रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन का जवाब दें. तो एक्सप्लेनेशन का जवाब जो है हमने वो दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें ये कहा गया कि ये एक्सप्लेनेशन का जवाब जो हम चाहते हैं वो है ही नहीं. क्योंकि वो असल में हमें अपोलोजाइज कराना चाहते थे, जो हमने नहीं किया. क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, हमने कोई गलत काम नहीं किया. हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं जो हमें नहीं दे रहा. उस बिना पे हमें कहा गया कि दिसंबर आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी, मतलब बहुत कुछ उसमें धमका. गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक जो एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, हाँ, उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिए. एडमिशन नहीं लिए, लेकिन वो डोनेशन ले रहे हैं. वो डोनेशन ले रहे हैं एडमिशन के नाम पे, वो डोनेशन ले रहे हैं पेरेंट्स. ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सब पेरेंट्स 5,000-10,000 सब दे रहे हैं. अब आपकी फाइनल डिमांड क्या है? फाइनल डिमांड हमारी है कि हमारी सैलरी जो है वो रिलीज की जाए, और जो हमारे टर्मिनेशन ऑर्डर्स है ये कैंसिल. We want justice. 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 तो सबसे पहले हम मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पांपोर में काम कर रहे हैं कुछ पिछले 15 सालों से, कुछ 10 सालों से, कुछ 5 सालों से. और ज्यूरिंग कोविड, जो आपको सबको पता है कोविड-19 लॉकडाउन के बारे में, तो स्कूल बंद था 3-4 महीने में. तो लेकिन हम फिर भी वहां पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गुलगुल क्लासरूम हो. और उसके बाद अगस्त से जो स्कूल फिर खुला, तो स्कूल हम आ रहे थे. तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक तो बच्चे भी आए, रिमेडियल क्लासेस हमने दिए. तो उसके बाद बच्चों से भी फीस कलेक्ट किया गया, नियर अबाउट 80% प्लस बच्चों ने फी भी भरा है, क्योंकि हम ही उनको विंटर असाइनमेंट्स देते थे. तो उसके बाद हमने भी फिर डिमांड की थी, हमने स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया था कि हमारी जो सैलरीज पेंडिंग है, तो नियर अबाउट इन एग्रीगेट वो है नियर अबाउट 7 मंथ्स सैलरीज. तो हमने यही डिमांड की, हमारी सैलरी जो है, हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज घर में है, तो वो हमें रिलीज़ किया जाए. अगर थोड़ा ही कुछ होगा तो उतना ही करो 1-2 महीने, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म हो जाए. लेकिन उसके बरक्स उस स्कूल अथॉरिटीज़ ने हमारा कुछ नहीं सुना, और हम फिर मजबूर हो गए. हमने सीओ ऑफिस पुलवामा में भी कंप्लेंट की, और वहाँ पे भी उनको बुलाया गया, वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया. बार बार उनको वहाँ पे गया गया, आप हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स पेश करो, लेकिन दे फेल टू प्रोड्यूस देयर. और उसके बाद उसके बरक्स इन रिप्लाई टू दैट इन्होंने बाई पोस्ट बहुत सारे टीचर्स को हमें
टर्मिनेशन लेटर बाय पोस्ट भेजा घर में। टीचरों के लिए टर्मिनेशन ऑर्डर दिया नियर अबाउट अभी तक 16 टीचर्स को वो पहुंचा है बाय पोस्ट और बाकी को अभी नहीं पहुंचा है, पता नहीं उनको अभी निकाला गया या नहीं, लेकिन हम जो कंप्लेंट में है नियर अबाउट 24 टीचर्स है हमें। अच्छा सर ये बताइए अगर देखा जाए वही अगर स्कूल अथॉरिटी की बात करें सर, ये हमें भी पता था लॉकडाउन में फाइनेंशियली वो अनसाउंड थे, लेकिन लॉकडाउन में हमने वो क्लेम नहीं की कि हमारी जो लॉकडाउन सैलरी वो रिलीज करो, लेकिन जब हम अगस्त से जो भी मैंने बताया अगस्त से हम भी स्कूल आ रहे हैं, अगस्त के बाद उन्होंने असाइनमेंट दिए बच्चों को, फी कार्ड्स दिए उनको, ये यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया, विंटर असाइनमेंट्स दिए, तो पहले हम चेक करते थे बच्चे ने फी भरा या नहीं, उसी को हम देते थे, जिसका अक्टूबर नवंबर तक जो फी क्लियर होता था उसी को हम देते थे। तो इससे हमें पता चला कि नहीं स्कूल वालों ने भी बहुत सारा फी कलेक्ट किया है, तो उसके बाद ही हमने वहाँ पे डिमांड की हमारी कुछ सैलरी भी जो पेंडिंग है वो रिलीज की जाए, लेकिन उसके बरक्स हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है जो जेन्युइन डिमांड्स है हमारा हक जो है, क्योंकि किसी का हक जितना खाना वो गुनाह है उतना अपना हक भी छोड़ना है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो हक है वो हमें दिया जाए और ये जो टर्मिनेशन निकाले गए हैं वो भी वापस लिए गए, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त 2020 में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सर्कुलर इसके बारे में निकाला है कि ड्यूरिंग कोविड या आपको सैलरी भी स्टाफ को देनी है प्राइवेट स्कूलों को और किसी को टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हो आप, तो इन्होंने उसको वायलेट किया इस ऑर्डर को जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने निकाला है अगस्त 2020 में।